अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। बोल दी प्रश्न, बोल दी आप यहाँ पे एलसी से ले जा बना ले। एक आप बनाएगी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, एंटर करके सेव कर दें। एक आप बनाते हैं बैंक लोन, बैंक से लोन दिया है। एक आप बनाएगी बैंक लोन अकाउंट, आप इसे अंडर में डाल देते हैं लोन लाइबिलिटी, एंटर करके से अपन एस्केप से बैक चलते हैं। आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, हम बता देंगे ना। अभी बताइए मैंने सेक्सटी एंट्री फॉर्म से वाउचर हम करेंगे वही तो आप सुनी दे रहे हैं, आप तो पीछे बात कर रहे हैं। आप एंट्री करेंगे एफ सिक्स से, फिर से वाउचर टू में आ जाएगा कैपिटल, कितना अमाउंट, फिर आप इसे यहाँ पे टू करते हैं, टू में आप लिखेंगे बैंक लोन 5 लाख, और बाय में आ जाएगा कैश, टोटल बिजनेस में कैश आ रहा है 15 लाख, तो टू में कैपिटल टू बैंक लोन बाय कैश, एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर लेंगे। नेक्स्ट बोलो, नजर माल खरीद, माल खरीदने की एंट्री आप करते हैं एफ नाइन से, परचेज वाउचर यहाँ पे आप एफ वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नजर माल है तो टू में आ जाएगा केस, कितना अमाउंट, कंट्रोल प्लस एन करते हैं 90,000 पे 3% रेट डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 2,700। आप 90,000 में से माइनस कर देंगे 2,700, अमाउंट आएगा 87,300। आप यहाँ कैश के सामने डाल देंगे 87,300, और बाय में आ जाएगा परचेज, अल्टे प्लस सी से परचेज का लेजर बना देंगे, परचेज अकाउंट अंडर में आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव, ट्रेड डिस्काउंट सही है ना, इसमें भी आपका अमाउंट सेम आएगा, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोले, माल बेचने एंट्री आप करेंगे एफ एट से सेल्स वाउचर, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एफ वाउचर, अब नगद माल बेचा है बाय में आ जाएगा केस, कितना अमाउंट था, 85,000, और टू में आ जाएगा सेल्स, अल्टे प्लस सी से सेल्स को लेजर बना देंगे, सेल्स अकाउंट अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट में, एंटर करके सेल्स, एंट्री हो जाएगी सेल्स वाउचर में बाय में कैश टू में सेल्स, एंटर करके सेल। नेक्स्ट बोलो, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, एंट्री आप सेल्स वाउचर में करेंगे, बाय में आ जाएगा चेक इन हैंड, अल्टे प्लस सी से चेक इन हैंड का लेजर बना लेंगे, अंडर में आ जाएगा ये आपको कैश इन हैंड, एंटर करके सेल, कितना अमाउंट था, 75,000, और टू में आ जाएगा सेल्स, क्योंकि माल अपन बेच रहे हैं तो बाय में आ जाएगा चेक इन हैंड, टू में सेल्स, एंटर करके सेल। नेक्स्ट बोलो, माल खरीदा एंट्री आप करेंगे एफ नाइन से परचेज वाउचर, यहाँ पे आप एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, टू में आ जाएगा केस, कितना अमाउंट था, 85,000, और बाय में आ जाएगा परचेज, एंटर करके सेव, कमीशन मिला इसकी एंट्री आप करेंगे एफ सिक्स से रिसीव वाउचर में, टू में आ जाएगा कमीशन, अल्टे प्लस सी से कमीशन का लेजर बना लें, कमीशन अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये अपन को मिल रहा है, एंटर करके सेव, कितना अमाउंट,
बाय में आ जाएगा केस, अपने पास केस आ रहा है, एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट गुड्स परचेस रिटर्न, गुड्स परचेस रिटर्न, अब अपन खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, एंट्री आपको करना है डेबिट नोट, लेकिन अभी आपके ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, आप इस वाउचर को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप प्रेस करेंगे F11 तो आप अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यू डेबिट क्रेडिट नोट, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना। आप इन तीनों ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर करके सेव। अब आप यहाँ पे डेबिट नोट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डेबिट नोट सिलेक्ट करेंगे, अपन खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है माल जा रहा है और केस आ रहा है, तो बाय में आप लिखेंगे केस अमाउंट और टू में आ जाएगा परचेज रिटर्न, अल्ट प्लस सी से परचेज रिटर्न का लेजर बना देंगे। परचेज रिटर्न अंडर में आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके से एंट्री हो जाएगी डेबिट नोट में, बाय में केस, टू में परचेज रिटर्न, एंटर करके से। अजय से फर्नीचर खरीदा, अब अपन संपत्ति खरीद रहे हैं, संपत्ति अगर आप नगद खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा फर्नीचर, अल्ट प्लस सी से फर्नीचर का लेजर बना दे, फर्नीचर अकाउंट, अंडर में आ जाएगा फिक्स्ड असेट में, एंटर करके सेव। और टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, अल्ट प्लस सी से अजय के नाम को लेजर बना देंगे, अजय अकाउंट, अंडर में आप इसे डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्योंकि अपन इससे खरीद रहे हैं, एंटर करके सेव। एंट्री आप करेंगे यहाँ पे जनरल वाउचर पे, बाय में आ जाएगा फर्नीचर और टू में उस पर्सन का नाम, एंटर करके सेव। फर्नीचर आज में जल के नष्ट हो गया, एंट्री आप किस में करेंगे जनरल वाउचर में क्योंकि केस का लेन देन नहीं हो रहा, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर, अल्ट प्लस सी से लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे, लॉस बाय फायर, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। कितना अमाउंट, तो 20,000। और टू में आ जाएगा फर्नीचर क्योंकि अपना क्या जला है फर्नीचर, तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर, टू में फर्नीचर, एंटर। देखिए अगर आपकी संपत्ति जल रही है तो टू में उस संपत्ति का नाम आ जाएगा, अगर माल जल रहा है तो टू में आप लिखेंगे परचेज, एंट्री जनरल वाउचर में, लेकिन अगर आपका केस चलता है तब आपको एंट्री करना है पेमेंट वाउचर में और टू में आपको लिखना है केस, एंटर करके सेव। कितना ही था केस बेंच में जमा किया, एंट्री आप करेंगे F4 से कॉन्ट्रा वाउचर में, टू में आ जाएगा केस क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है। कितना अमाउंट था 25,000, बाय में आ जाएगा बैंक, अल्ट प्लस सी से बैंक का लेजर बना लेते हैं, बैंक अकाउंट, अंडर में आ जाएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव। एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट टू केस, एंटर करके सेव। चलेंगे अब बैलेंस शीट में ला लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, 20,000 ज्यादा आ रहा है किसमें, ये प्रॉफिट एंड लॉस कम आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, बैलेंस शीट कितने है, ये इसका फोटो लिया होगा ना, फोटो नहीं लिया तो आप मिला लेते, इसमें किस में अमाउंट आपका गलत आ रहा है, हम इसमें अल्टर एफ1 कर दे रहे हैं फिर आप इस पूरे को मिला, आप अपने डेली में यहाँ पे जब बैलेंस शीट ओपन करें आप इसमें प्रेस करना अल्टर सब F1, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप इसमें अमाउंट मिला लेंगे किस में आपका अमाउंट कम आ रहा है, वो एंट्री में आप चेंज कर लें, ये वाला ये रहता है अंतिम एक्सपेंस, मतलब आपने जो माल खरीदा था अब अभी के लिए तो वो अपने पास माल है, जब ये ईयर एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा।